Hello friends, welcome back to ABC Crafts. My name is Astha Barolia. I hope that you have liked the channel. If not, please do not forget to like, share and subscribe. Also press the button of the bell so that you can receive the notifications of my videos further. I am going to continue the sketching series. This is going to be the part 3 of this series, whereby I am going to cover the different shapes in which you can shade and how you shade in different shapes. I hope that you like my video and I hope that you have practiced from the previous videos so that we can achieve what we are desiring today. Today we are going to continue and learn how to shade a sphere, a cube, and further we are going to continue by learning cone and cylinder. These are the basic shapes that will gradually help us shade everything that will get covered in still life. So let's start with the sphere. अब जब भी हम किसी चीज़ को शेड करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड इट कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट द सोर्स ऑफ लाइट इज़ फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड उसके हिसाब से हम इसमें शेड करेंगे. अगर हम इधर से सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए एक वाइट पैच इधर क्रिएट होगा एंड शेडो इधर क्रिएट होगी. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. हम स्टार्ट करेंगे. आई एम टेकिंग अ 6B पेंसिल. आई एम मोस्ट कम्फर्टेबल विद दिस पेंसिल. यू कैन टेक एनी पेंसिल दैट यू लाइक. इसमें डार्क से लाइट से शेड्स हमने देखा है कि कोई भी पेंसिल से हम कर सकते हैं. सो आई एम कम्फर्टेबल विद 6B. सो आई एम यूजिंग अ 6B. ओके, एट द वेरी बिगनिंग आपको एकदम लाइट, अब मैंने पहले से ही एक स्फीयर बना रखा है, एकदम लाइट हमें शेड करते हुए स्टार्ट करना है कॉर्नर्स पे खाली. देख रहे हैं आप, एकदम लाइट शेडिंग है, बहुत हल्का प्रेशर, ना के बराबर प्रेशर डाल के हमें इस पेंसिल को यूज़ करना है फिलहाल. एक बार हमने इसे साइड से शेड दे दिया, उसके बाद हम ग्रेजुअली नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करते जाएंगे. यहाँ पे एक सर्कल जैसा फॉर्म हो जाना चाहिए शेड करते करते. देखिए मैं अभी एकदम लाइट कर रही हूँ, मैं शेड्स इंक्रीज़ नहीं कर रही हूँ. ग्रेजुअली जब हमारा सर्कल प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा तब मैं शेड्स इंक्रीज़ करना स्टार्ट करूँगी. देखिए हमने समवॉट एक सर्कल जैसा फॉर्म कर दिया है, अब हम इसको रिफाइन करेंगे. अगर आप देखेंगे तो यहाँ एजेस पे क्लियर नहीं है, तो हम एजेस रिफाइन करेंगे. सबसे पहले याद रखिएगा पेंसिल लाइट ही, पेंसिल डार्क नहीं करनी है, प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है. अब इस तरह से हम पूरे सर्कल को, पूरे स्फीयर को लाइट शेड में कवर कर देंगे. फर्स्ट कोट होगा ये हमारा. अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया है एंड अब मैं स्पीयर का डायरेक्शन फॉलो करना शुरू कर रही हूँ. एट द एंड हल्का सा एक वाइट एरिया छोड़ देंगे हम. अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पे एक हल्का सा वाइट एरिया हमने छोड़ दिया है. हम कंटिन्यू करेंगे और शेड देंगे. अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे एक कॉटन स्वाब लेके मर्ज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती कभी भी शेडिंग को मर्ज करना, इसलिए मैं मर्ज नहीं कर रही हूँ. आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हम शेड्स को इंक्रीज़ करेंगे. यहाँ पे हमें लाइट रखना है और नीचे हमें एकदम डार्क शेड्स देना है, तो हम धीरे धीरे शेड्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे.
देखिए और शेड हमने ऐड कर दिया, इसके बाद हम इसे और डार्क करते जाएंगे टुवर्ड्स द एंड। प्रेशर इतना ही डालिए कि पेपर स्पॉइल ना हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था उतना ही प्रेशर जितना जिसमें हमारा पेपर स्पॉइल ना हो। अगर पेपर स्पॉइल हो गया तो शेडिंग में उतना मज़ा नहीं आता है। थोड़ा डार्क हम इधर भी बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया बेसिक एकदम तरीका एक स्पीयर को शेड करने का। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा लाइट का पैच क्यों है, मैंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाया है। अगर आप चाहें तो एक बहुत मिनिमल लाइट स्पॉट भी रख सकते हैं, आप इसे मर्ज भी कर सकते हैं एंड इरेजर की हेल्प से आप इनके इसके साइड्स रिफाइन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमने साइड में जगह क्यों छोड़ी है। हमने साइड में जगह इसलिए छोड़ी है ताकि हमारा रिफ्लेक्शन जो है उसमें हम उसको दिखा सकें। अब आप समझिए यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक मैंने जगह छोड़ी है उतना हिस्सा मेरे शैडो का होगा। हम एक बार उसको हाईलाइट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो फर्स्ट वीडियो में टॉर्नेडो बनाए थे अगर आपको याद हो तो उस टॉर्नेडो जैसे पैटर्न को फॉलो करते हुए डार्क से लाइट लेके जाएंगे शैडो को। सिंस ये स्पीयर है इसका शैडो भी थोड़ा कर्व्ड रहेगा, वो याद रखिएगा शैडो कर्व्ड आना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉपर शेप की ज़रूरत नहीं है बट हल्का कर्व उसमें नेसेसरी है। मैं और थोड़ा डीप टोन्स ऐड करूँगी। ये हो गया हमारा स्फीयर। अभी हम इरेजर लेके इसे रिफाइन कर सकते हैं हमें चाहिए हो तो, और अगर नहीं चाहिए तो हम इसे वैसे ही छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये हमारा स्फीयर हो गया कंप्लीट। देखिए कॉटन स्वाब से मर्ज करने के बाद कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। देखिए हमने जितनी भी एरियाज वाइट छोड़ी थी वहाँ पे एक बहुत मिनिमल लेयर ऑफ शेड आ गया है, वो अगर रहने देंगे तो चलेगा। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा और वाइटनेस हो तो अभी भी हम इरेजर लेके इधर सेंटर में वाइटनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम हल्का सा इसको इरेजर लेके इरेज करेंगे देखिए इस तरह से एंड देन हम वापस कॉटन स्वाब लेके एरियाज मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से। इससे आपके सर्कल में वाइटनेस भी रहेगा एंड एक हल्का शेड भी दिखेगा। ये हो गया हमारा स्फीयर। अब आगे बढ़ते हैं और हम क्यूब कंटिन्यू करते हैं। क्यूब में भी हमारा लाइट सोर्स हम इधर से कंसिडर करेंगे और हम इस क्यूब का शेडिंग जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप देखेंगे तो यहाँ पर थ्री प्लेन सर्फेसेस है, इधर सबसे लाइटेस्ट शेड, इधर मीडियम शेड एंड इधर डार्क शेड।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है क्यूब में। क्यूब को शेड करना सबसे ईजी होता है। मैं आपको बताती हूँ अभी, देखिए मैंने लाइट शेड से स्टार्ट किया है। ये हमारा लाइट शेड है, इसमें कोई ग्रेजुअल टोन नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एक ही प्लेन टोन में रहेगा पूरा, कुछ इस तरह से। अगर आपको चाहिए तो आप अभी मर्जिंग कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप एंड में मर्ज कर सकते हैं, तो हम एंड में मर्ज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड साइड में हम टोन को हल्का सा बढ़ा देंगे, ये देखिए ये हमारा मीडियम हो गया। मीडियम के बाद ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क शेड होगा। वही सेम टेक्निक, बस हमें इससे और इससे डार्कर शेड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेवेंथ शेड पे डायरेक्टली पहुँच जाए। अगर आपको लगता है कि अभी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कवर किया है, तो आप फोर्थ या फिफ्थ शेड से भी इसे कर सकते हैं। एकदम डार्क करना नेसेसरी नहीं है। दैट्स इट, ये हो गया है। देखिए अगर आप इसे मर्ज कर देंगे तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। और अब इसे हमें इसमें शैडो बनानी रहेगी। शैडो के लिए हम वापस वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने स्पीयर में यूज़ की थी। स्पीयर में जैसे कि हमने एक हल्का सा गैप छोड़ा था वाइट का, वैसे ही हम क्यूब में भी छोड़ेंगे, बट क्यूब में छोड़ने का टेक्निक अलग रहेगा। अब आप सोचेंगे कि हाँ इसमें रिफ्लेक्शन आएगा कहाँ? इसमें रिफ्लेक्शन इस साइड नहीं आएगा, इसमें रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, क्यूब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। क्यूब में अगर आप इस साइड से लाइट कंसिडर कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा कुछ इस तरह से। और सिंस ये क्यूब है, जैसे सर्कल में हमारा हल्का सा राउंड था, क्यूब में हमारा स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक हल्का सा गैप छोड़ना रहेगा एंड वहाँ से आपका डार्क शुरू करना रहेगा। वही सेम डार्क टू लाइट। इस तरह से एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसे। और एक थोड़ा हल्का टोन इंक्रीज करूंगी इस शैडो का। ये
ये देखिए, ये हमारा क्यूब का शेडिंग रेडी हो गया है। हमने देखिए इसको पूरे को मर्ज कर लिया है। अब मर्ज करने के बाद हम कहीं ना कहीं तो हाइलाइट्स दिखाएंगे, तो हमारे जितने भी कॉर्नर्स एजेस हैं हम उधर हाइलाइट्स दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक गैप छोड़ा था, हम उसे इरेजर का मैंने देखिए बैक साइड यूज़ किया, जो अनयूज्ड होता है, शार्प्ड होता है, उससे यूज़ करके ये देखिए हम थोड़ा वाइट क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली हम इधर भी एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। ये देखिए उसी तरह से हम इस साइड भी दिखाएंगे। हमें टॉप में ज़रूरत नहीं है दिखाने की, बट हाँ हमें इधर और इधर दिखानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे रिफ्लेक्शन आएंगे। अब अगर आपको चाहिए है तो हम हल्का सा उसे मर्ज कर सकते हैं, तो एक कॉटन स्वाब लेके आप उसे हल्का सा एकदम मर्ज कर दीजिए, ताकि वो रिफ्लेक्शन दिखे भी और ऐसा लगे कि वो हमने बाद में इरेजर से नहीं किया बट पहले ही किया। इस तरह से ये हमारा क्यूब हो गया रेडी। अब हम कोन को शेड देना शुरू करते हैं। कोन में भी हम सर्कल जैसा ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लाइट हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आएगा ऑफ सेंटर, थोड़ा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ आएगा, शैडो हमारा इस साइड आएगा। अब हम लाइट शेड देने से स्टार्ट करेंगे। सिंस ये कोन है, हमारा शेडिंग जो है वो यहाँ से ज़्यादा होगा एंड ऊपर से कम होगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम बीच में एक पैच छोड़ देंगे वाइट, ऑलमोस्ट वाइट, से हम बाद में शेड कर सकते हैं एंड हम उसे लाइट शेड देंगे। बचे हुए पूरे कोन में हमें लाइट शेड दे देना है। एज में हम एक वाइट हल्का सा लाइन छोड़ देंगे। देखिए कुछ इस तरह से अब हम इस साइड से उसे डार्क कर देंगे, ग्रेजुअली लाइट। सिमिलरली इस साइड से हल्का डार्क एंड ग्रेजुअली लाइट।
ये देखिए कुछ इस तरह से। इसके बाद हम शैडो क्रिएट करेंगे। शैडो हमारी जो है वो इस साइड आएगी, हल्की सी ऊपर से राउंड रहेगी। हमें यहाँ पे एक वाइट एरिया छोड़ना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी एक हल्का वाइट पैच छोड़ना है। अगर आप उसे तुरंत नहीं छोड़ पाए तो हम इसे इरेज कर सकते हैं। अगर तुरंत नहीं हो तो हम उसे इरेज कर सकते हैं। देखिए अब हम इसे मर्ज कर देंगे। ये हमारा कोन कंप्लीट हो गया है। अब हम सिलेंडर पे जाएंगे। सिलेंडर के लिए हम सिमिलर ही वे फॉलो होगा। क्यूब और स्पीयर का मिक्सचर समझिए आप इसे। इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे कोन में हमने लाइट टू डार्क टू लाइट किया था एक साइड से एंड देन इस साइड से डार्क टू लाइट किया था, वैसे ही हमें सिलेंडर में फॉलो करना है, और बीच में हम हाईलाइट छोड़ देंगे। ये हमारा नीचे का हिस्सा हो गया। अब हम ऊपर का करेंगे। सिमिलरली इधर से डार्क आएगा, यहाँ हमारा लाइट आएगा। देखिए अब इसका शैडो हम बनाएंगे। इसका शैडो भी सर्कल जैसा आएगा, हल्का सा राउंड रहेगा, बट सिंस हम इन्हें लाइट इधर से लिए हैं हमारा शैडो कुछ इधर आएगा।
वापस आपको एक हल्का सा गैप छोड़ देना है। अगर गैप ना छूटे तो हम इसे इरेजर से क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। अब हम इसे मर्ज कर देंगे और फिर मैं इसमें आपको हाइलाइट्स बताती हूँ। अब इसमें भी हम हाइलाइट्स देंगे, जैसे हम नीचे से हाइलाइट दे सकते हैं हल्की सी। इसे हम मर्ज करेंगे, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे वरना वो बहुत अजीब लगेगी। जिस तरह से एंड हम ऊपर तरफ, जैसे हमने क्यूब में हाइलाइट दी थी वैसे हम इसमें ऊपर तरफ हाईलाइट देंगे। देखिए जिस तरह से क्यूब में हाईलाइट दी थी वैसे हमने इसमें ऊपर तरफ हाईलाइट दी है। हम एक क्लीन स्वॉब लेंगे। देखिए मेरा इधर से क्लीन है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ज़रा भी डर्टी स्वॉब ना यूज़ कीजिएगा। एंड उसे हल्का सा मर्ज कर देंगे, वो लाइन दिखे भी और ऐसा भी लगे कि वो मर्ज्ड है। ये हो गया हमारा सिलेंडर रेडी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आज हमने अलग अलग शेप्स में शेडिंग कैसे करते हैं वो सीखा है। आई नो कि ये थोड़ा बोरिंग हुआ है, अब तक हमने 3 वीडियोस में सिर्फ बेसिक्स सीखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीनरी में शेडिंग कैसे करते हैं वो स्टार्ट कर देंगे, लैंडस्केप्स में शेडिंग कैसे करते हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप इंट्रीग्ड रहेंगे और आपको और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।